राधे कृष्णा, राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और इस जाती हुई गर्मी से बचा के रखना अपने आप को जरूरी भी हो गया है। तो भाई आज की वीडियो कुछ हटके भी है और इन्फॉर्मेटिव भी है, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई आज की वीडियो है किस मुद्दे पे? थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो भाई आज की वीडियो है, हमने अपनी स्कॉर्पियो वैन को 10,000 किलोमीटर चला दिया है। 10,000 नहीं, 11,540 किलोमीटर चल चुकी है हमारी स्कॉर्पियो। एग्जैक्टली, क्योंकि 11,000 के करीब तो हमने सर्विस कराई थी। करेक्ट। तो 11,540 किलोमीटर हम अपनी गाड़ी को चला चुके हैं, और चलाते वक्त हमने क्या फील किया, क्या एक्सपीरियंस हुआ हमें, किन चीजों में हमें लगा कि सुधार होना चाहिए और कौन सी चीज हमें बहुत अच्छी लगी, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, लुक्स। लुक्स जो है बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है। कोई बोलता है आगे से अच्छी लगती है, कोई बोलता है पीछे से अच्छी लगती है, कोई बोलता है साइड से अच्छी लगती है, कोई बोलता है कहीं से भी अच्छी नहीं लगती। तो भाई हमें पर्टिकुलरली इस गाड़ी की लुक बहुत पसंद है, काफी बोल्ड लुक है, थोड़ी सी एक मस्कुलर लुक को लेकर आती है ये गाड़ी। महिंद्रा हालांकि अपनी ज्यादातर गाड़ियों को उसी तरीके से डिजाइन करता है कि मतलब देखकर एक अग्रेशन जो है वो नजर आता है गाड़ी के अंदर। तो भाई लुक के मामले में मेरे हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल फुल ऑन स्पॉट ऑन है, और इसके जो सेलिंग नंबर्स हैं वो इस चीज को जस्टिफाई भी करते हैं। इसका वेटिंग पीरियड भी इस चीज को जस्टिफाई करता है कि लोग 10-10 महीने और 9-9 महीने वेट कराए कि भाई कभी हमने तो 10 महीने किया है, कुछ लोग तो अभी भी वेट कर रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ बुकिंग की थी, स्टिल वेटिंग में है कि भाई कभी तो मिलेगी, अभी तो मिलेगी। तो वो गाना इस गाड़ी पे भी कुछ सूट करता है, वो मुंडे तेरे लुक्स पे मर गए। तो भाई दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट मेरे से कम और इनसे ज्यादा रिलेटेड है। स्पेस मैनेजमेंट की बात हो रही है, किस तरीके से इस गाड़ी के अंदर इतनी बड़ी गाड़ी सी और स्पेस इतना सा, उसमें सामान नहीं आया सी। तो हो क्या रहा है कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर जो स्पेस मैनेजमेंट है, आप 6-7 बंदे बैठा सकते हो गाड़ी के अंदर, प्रैक्टिकलिटी के नाम पे थोड़ा सा कहीं खलता है। मतलब अगर पूरी गाड़ी जैसे 7-सीटर है, तो अगर पूरे में बंदे बैठ, कोई भी मतलब पूरे लोग बैठ जाए, तो आपको सामान रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी, फिर आपको छत का सहारा लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, जो पीछे की सीट है ना, वो हम उसको टम्बल डाउन भी कर देते हैं, तो भी क्या होता है कि जो स्पेस है वो उतना निकल के नहीं आता है। नहीं नहीं, और जो एनी हाउ महिंद्रा ने कोशिश की है, आधा स्पेस जो है उन्होंने फ्लैट कर दिया है, बट बड़ा उबड़ खाबड़ है। मतलब साइड का ऑलमोस्ट आधा फीट इधर आधा फीट इधर जो जगह है वो नॉन यूजेबल है, यूज में नहीं आता है। आप कोई प्रॉपर बैग रखने की उस जगह पे कोशिश करोगे तो नहीं रखा जाएगा। बीच में दो बैग रख सकते हो, साइड में आपको इस तरीके के बैग रखने पड़ेंगे जिनको फ्लैट सरफेस की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्पेस मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, हम फेस करते हैं जब हम ट्रिप पे जाते हैं। और एक टिश्यू बॉक्स रखने के लिए हमें स्पेस ढूंढना पड़ता है कि हम उसको कहाँ रखें, नेक पिलोज को कहाँ पे रखें। मतलब ये बेसिक सी चीजें हैं जिनके लिए मतलब जद्दोजहद होती है कि यार सीट पे मत रखो, यहाँ मुझे बैठना है, यहाँ ये होना है, तो वेयर टू कैप्ट। हालांकि उसके ऑप्शंस हैं, स्पेस मैनेजर्स आते हैं, बट माय पॉइंट इज जब आप गाड़ी डिजाइन कर रहे हो तो आप एक छोटी सी चीजों को ध्यान में रख सकते हो, और आजकल हो भी रहा है। अगर आप देखोगे बहुत सारी गाड़ियों के अंदर बहुत ध्यान से गाड़ी को डिजाइन किया जाता है, स्पेस मैनेजमेंट किया जाता है, वो इसमें मिसिंग है। इनफैक्ट कुछ कॉर्नर्स ऐसे हैं जहां अगर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी सी हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट, तो भाई तीसरा पॉइंट ये है कि भाई गाड़ी हम लॉन्ग ड्राइव्स पे लेके जाते हैं, तो भाई सीट कैसी है, सीट कंफर्टेबल है कि नहीं है, थकावट होती है कि नहीं होती है। तो भाई आगे की सीट पे मैं जिस सीट पे बैठता हूँ 99% मैं इसी सीट पे बैठता हूँ ड्राइविंग सीट पे, तो मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है, लंबी लंबी ड्राइव में आसानी से कर सकता हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल और बढ़िया सीट है। उस सीट में भी थोड़ी देर के लिए बैठा हूँ मैं, अब वो भी मुझे कंफर्टेबल लगती है। तो मैं बोलूँ तो फर्स्ट रो की जो सीट्स हैं वो कंफर्टेबल है, पर सेकंड रो वाले बताएंगे। तो भाई सेकंड रो का जो बेंच है 50-50 है। हाँ, होता क्या है, एक तो दो लोग अगर साइड में बैठे हैं तो वो फेयरली कंफर्टेबल है, लेकिन अगर तीन लोग बैठे हैं तो वो फेयरली कंफर्टेबल नहीं है। दूसरी चीज ये है, एक बेंच टाइप की फीलिंग आती है, हालांकि साइड में थोड़ा बकेट जैसा उन्होंने डिजाइन दिया है उसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो, बट जब आप लंबे सफर में जा रहे हो
तो वो लंबे सफर में कुछ समय के बाद में वो थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस होता है। इससे पहले जो हमारे पास गाड़ी थी, अगेन मैं पुरानी गाड़ी की बात कर रहा हूँ वरना, उसके पीछे वाली सीट जो थी वो काफी कंफर्टेबल थी यार। उसमें आप लॉन्ग ड्राइव में अगर बैठे हो, काफी लॉन्ग ड्राइव तक बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती थी, उसमें थकावट फील नहीं होती थी। इसमें तो आगे वाली सीट कंफर्टेबल है नो डाउट, बट स्टिल आगे की सीट पर भी थकावट फील होने लगती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, बट वरना ने कभी नहीं थकाया। और जो थर्ड रो है उसकी तो बात ही ना करें तो अच्छा है, उसको हम ज्यादातर टम्बल डाउन करके रखते हैं exactly. क्योंकि हमें सामान रखना होता है और कभी कभार की जब कोई ज्यादा लोग जा रहे होते हैं तो हम खोलते हैं, अदरवाइज तो वो थर्ड रो हमने ज्यादा उसको एक्सपीरियंस भी नहीं किया है और लंबे ड्राइव में तो बिल्कुल भी नहीं किया है। नंबर फोर भाई, नंबर फोर है एसी, बहुत बढ़िया पावरफुल एसी है एकदम उन लोगों के लिए जो आगे बैठे हैं, एकदम जाड़ा सा लगा देता है भैया ये एसी। और बीच वाली रो का जो एसी है, आगे बैठे हुए लोग और बीच में बैठे हुए लोगों को अच्छा खासा जाड़ा दे देता है, पर जो पीछे बैठे हुए लोग हैं दिल्ली जैसी गर्मी में उनका बहुत बुरा हाल होता है तीसरी रो में। हालांकि उधर कम लोग बैठते हैं, अभी हम पीछे एक छोटी सी ट्रिप के लिए गए थे, मतलब पर्सनल हमें कहीं विजिट के लिए गए थे, उसकी वीडियो हमने नहीं बनाई, उसमें थर्ड रो में बैठे थे तो काफी गर्मी उन्होंने कंप्लेन की कि एसी चलाओ एसी चलाओ, और हम लोग बोल रहे थे यार एसी बंद करो बंद करो। तो ये एक पॉइंट है कि थर्ड रो में शायद एसी वेंट होते तो ज्यादा बेटर रहता। सेकंड रो का एसी सबसे पावरफुल है, थर्ड में अगर हम चला देते हैं तो पीछे तक थोड़ी थोड़ी जाती है। अच्छा, थ्री नंबर में अगर हम एसी चलाते हैं तो आपको लगता है कि कूलिंग थर्ड रो तक जाती है? जाती है, बट सेकंड रो वालों को ठंड नहीं लगती? थोड़ी ठंड लगती है, इसलिए हम बीच बीच में हम कंट्रोल कर सकते हैं, वी हैव कंट्रोल पॉइंट। ओके, तो भाई हमारे पॉइंट के साथ में जो हमारा बेटा है जो सेकंड रो और थर्ड रो को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करता है वो एग्री नहीं करता, ही सेइंग कि हम लोग अगर ठीक से उसको रेगुलेट करते रहें एयर को तो बीच वाले और पीछे वाले लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, राइट कुंज? राइट, यस, थैंक्स फॉर शेयरिंग। एक और पॉइंट हमारे बेटे से ही हमें पूछना पड़ेगा, तो सेकंड रो है जिसपे आप बैठे हो वो कितनी कंफर्टेबल है? आपको लॉन्ग ड्राइव में कंफर्टेबल लगती है क्या? बिल्कुल कंफर्टेबल लगती है। हाँ, क्योंकि आप उस पे लेटे रहते हो, है ना? नहीं, बैठने का एक्सपीरियंस कुंज को कम है, लेटने का ज्यादा है। बीच वाला सबसे ज्यादा वो है बाउंसी और कंफर्टेबल। ओ, बाउंसी है, बाउंसी। तो भाई बाउंसी से एक और पॉइंट है, अगला पॉइंट आता है हमारा। तो भाई जैसा हमारे बेटे ने बोला बाउंसी, तो बाउंसी का मतलब है बॉडी रोल। भाई कोई भी कुछ भी बोले मेरे दोस्त, बॉडी रोल फुल ऑन है भाई। महिंद्रा की गाड़ी में बॉडी रोल नहीं होगा तो किसकी गाड़ी में होगा भैया? फुल गाड़ी डोलती है जब आप ऊबड़ खाबड़ रस्तों पे चलते हो और अच्छा खासा बॉडी रोल है। एक्चुअली जब भी लोग बोलते हैं ना कि बॉडी रोल कम है तो वो शायद पुरानी वाली स्कॉर्पियो के साथ कंपेयर करते हैं, बट अगर उससे ना कंपेयर किया जाए और इन जनरल बाकी गाड़ियों के साथ में कंपेयर किया जाए तो इसके अंदर बॉडी रोल काफी ज्यादा है। रियर व्हील ड्राइव होने के नाते हो भी सकता है कि ऐसा होता हो, बट फिर भी बॉडी रोल काफी है यार। मतलब लद्दाख विजिट में अच्छा खासा हिला दिया था इसने, इतना हिलाया था कि मेरी गर्दन अभी तक दर्द करती है। तो भाई अगला पॉइंट कौन से नंबर का है? 6 नंबर का पॉइंट, 6 नंबर का पॉइंट है भाई, इसके अंदर जो बग्स हैं, आई वुड से जो बग्स बोलूं मैं, क्या बोलूं, कभी भी इंजन लाइट, कभी भी रीजन, कभी भी DEF एरर, स्कॉर्पियो एन इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो भैया वो हम जब लद्दाख विजिट पे गए थे, अगर आपने हमारी वो सीरीज देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जरूर देखना भाई, इस गाड़ी ने हमें रोज एक नया सरप्राइज दिया। मतलब हम लोगों को अपने टोस पे रखा इसने कि ना आराम से मत बैठो भाई तुम, टोस पे रखा। हम लोग इतने परेशान हो गए कि हमें लगता था यार पता नहीं यार गाड़ी हमको अगली डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी, बट बीच में हमें क्या महिंद्रा के सर्विस सेंटर भी ले जाना पड़ा और वहां पर जाके वो रीजन और वो इंजन चेक लाइट जो है वो कई बार आप खुद रीसेट नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू टेक योर कार टू दी सर्विस सेंटर, और जब इंजन चेक लाइट आती है तो गाड़ी की पावर एकदम रिड्यूस हो जाती है, पहाड़ों पे नहीं चला सकते आप गाड़ी। तो ये जो इश्यूज है ना रीजन से रिलेटेड, DEF एरर से रिलेटेड, ये सीरियसली इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं कि जब आप जा रहे हो कहीं ऐसी ऐसी जगह पे और यू नो रिमोट एरियाज में जा रहे हो तो भैया आपके भगवान भरोसे हो ना, वहाँ सर्विस सेंटर है और ये गाड़ी आपको कभी भी बता सकती है कि भाई
DEF खत्म हो गया। 71% DEF था हमारी गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी ने बोला DEF इज नॉट देयर अगर आपने गाड़ी बंद की, इसमें बाकायदा लिख के हुआ है रीस्टार्ट नॉट अलाउड, यानी कि अगर मैंने गाड़ी बंद कर दी तो वो स्टार्ट नहीं होगी दोबारा। आप सोच सकते हो पहाड़ों में हम लोग जा रहे थे हुंडर से पेंगोंग की तरफ, उस रोड पे हम लोगों का क्या हाल हुआ होगा, कुछ नहीं है, बियाबान है वहां पे, ना गांव भी नहीं आता उसमें तो बीच में। तो भाई ये जो चीज है ये इसकी रिलायबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो हियर कम्स द सेवंथ पॉइंट जो है वो है इसकी हेडलाइट से रिलेटेड। भाई हेडलाइट जनरल यूजेज में बिल्कुल बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने क्या एक्सपीरियंस किया है जब बारिश होती है ड्यूरिंग द रेनी डेज, तो भाई बहुत ही पुअर। मैं कहूंगा कि जब बारिश होती है तो किसी भी गाड़ी की जो लाइट परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, बट इसकी तो भाई ऐसे समझो कि सोचना पड़ता है कि भाई ऑन है ऑफ है लाइट, मोमबत्ती जल रही हो। हाँ भाई बिल्कुल, मतलब लाइट का परफॉर्मेंस अगर बारिश हो रही है या बारिश नहीं भी हो रही, बारिश रुकी हुई है और रोड गीली है, तो इसका जो जो लाइट परफॉर्मेंस है वो बहुत ही पुअर है। तो उसका आई डोंट नो उसका इलाज क्या है, मुझे लगता है कि अगर मैं बड़े बल्ब लगा भी दूंगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, बट आई डोंट नो मीन्स लाइक इसकी लाइट सीरियसली नीड टू इम्प्रूव फॉर ऑल वेदर कंडीशन के लिए होनी चाहिए भाई। तो भाई अगला पॉइंट हमारा है इसकी माइलेज से रिलेटेड। तो भाई माइलेज ये मेरे हिसाब से जो गाड़ी का साइज है, और मैंने पीछे टैंक टू टैंक रिव्यू भी किया था माइलेज का, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखिएगा, उसमें माइलेज काफी अच्छी निकल के आई थी, जिसमें हमने हाईवे पे गाड़ी चलाई थी, पहाड़ पे चलाई थी, सिटी में चलाई थी, मिक्स चलाई थी, तो जो हमको जो माइलेज निकल के आ रही थी वो 12 और 15 की निकल के आ रही थी, यानी कि अगर हम सिर्फ सिटी में चलाते हैं तो 12 और नॉर्मल चलाते हैं हाईवे और सब चीजों पे चलाते हैं तो 14 से 15 के माइलेज ये गाड़ी दे रही थी। और अभी सर्विस के बाद में 10,000 किलोमीटर की सर्विस के बाद में भाई सीरियसली जो माइलेज है वो और इम्प्रूव हुई है, ये मीटर में वो 17 तक दिखाता है, 17-18 तक दिखाता है, बट आई एम सेइंग ये 15-16 तो होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने रियलाइज किया था, जब मैंने इसका टेस्ट किया था, तो उसमें 1.5 से 2 किलोमीटर की जो एरर थी वो मीटर के साथ में और रियल लाइफ में आ रही थी। तो भाई अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो एरर उतना ही है, और जो माइलेज है वो करीबन 15 से ऊपर चली गई है इन नॉर्मल यूजेज, आई वुड से कि बिल्कुल सिटी पैक ट्रैफिक के लिए नहीं, बट हाँ सिटी के अंदर, बट नॉर्मल ट्रैफिक आपका मूविंग ट्रैफिक के अंदर ये बढ़िया माइलेज दे रही है, तो माइलेज के लिए थम्स अप। तो भाई पॉइंट हो गया, अभी पॉइंट कितने हो गए, 8 9th, अभी 9th और 10th है। yes. हाँ तो भाई 9th और 10th को एक साथ क्लब कर रहा हूँ। 9th और 10th पॉइंट में क्या है, इट इज रिलेटेड टू महिंद्रा, एक्चुअली इट इज नॉट रिलेटेड टू द कार। ठीक है, कार अपनी जगह चल रही है, काम कर रही है, छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं, उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तो है एसेसरीज से रिलेटेड। भाई एक बैक कैमरा दिया है महिंद्रा ने, Z6 मॉडल है ये, और Z6 में अगर हमें बैक कैमरा चाहिए तो वो शोरूम से आपको मिल जाता है, बट उसकी क्वालिटी वैसे मतलब पिक्सल वाइज तो ठीक लगता है वो, बट उसके अंदर जो व्यू आता है कुछ नहीं, मतलब वो 3-4 फुट से ज़्यादा का दिखाता नहीं है, उस पर आप 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हो बिल्कुल बेकार है, एकदम पानी में लगाने वाली बात है। तो मुझे लगता है कि वो, और दूसरी चीज़ है कि बाकी एसेसरीज अवेलेबल ही नहीं है, फॉग लैंप अगर आप शोरूम से लगवाना चाह रहे हो तो नहीं लगवा सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे जो एसेसरीज हैं जो हमको चाहिए अपनी गाड़ी के लिए, मतलब जो बंदा टॉप मॉडल नहीं ले रहा है, टॉप मॉडल से नीचे ले रहा है, वो एक्सपेक्ट करता है कि ठीक है कि कुछ फीचर्स मेरी गाड़ी में नहीं है जो मैं आफ्टर मार्केट लगवा सकता हूँ, शोरूम से लगवा सकता हूँ, तो वो चीज़ नहीं है अवेलेबल, आपको आफ्टर मार्केट जाना पड़ेगा, जिसके बाद में वारंटी और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, स्पेशली जो इलेक्ट्रिक काम है वो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आप बाहर से कराओ, वो आप हमेशा चाहोगे कि शोरूम से करवाएं। दूसरा पॉइंट जो है महिंद्रा से रिलेटेड है वो है इनकी सर्विस, यार रियली पुअर सर्विस है भाई, बंदे अनट्रेंड हैं, या मतलब वो पुराना उनका वो बुलेरो का हिसाब किताब चलता हुआ आ रहा है कि वो एक गाड़ी उनको अच्छे से आती है, बुलेरो आएगी, वो 20-25 मिनट में उसकी बढ़िया सी सर्विस करके बाहर निकाल देंगे उसको। उसके अलावा जिस तरीके से सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां आजकल आ रही हैं, ये स्कॉर्पियो एन है या इनके XUV700 है, मुझे नहीं लगता कि ये लोग प्रिपेयर्ड हैं इन गाड़ियों को सर्विस करने के लिए,
और इनको पता भी नहीं है, इनको कुछ भी बोलोगे ना कि भाई ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, नहीं जी ऐसा ही होता है, ये तो ऐसा ही होता है, ये तो आवाज ऐसी आती है, खुद क्वेश्चन में आप में आ जाओगे कि यार ये प्रॉब्लम है कि यार ये कैरेक्टरिस्टिक है गाड़ी का। तो और जितना बोलोगे ना कि भाई ये कर दो वो कर दो, सर्विस में गई थी हमारी गाड़ी 10,000, तो उन्होंने ब्रेक भी सर्विस बोलना पड़ा, यार ब्रेक तो खोल के चेक करो आप कम से कम। तो वो ये हालत है कि वो हमको बोल रहा है कि नहीं जी कुछ नहीं होता 10,000 किलोमीटर में ब्रेक को, और बगल में एक स्कॉर्पियो वैन खड़ी थी जिसका वो जो ब्रेक का क्या बोलते हैं उसको, जो रिंग होता है उसको वो ग्राइंड कर रहे थे मशीन से। तो भाई सीरियसली वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, महिंद्रा को सीरियसली फोकस करना चाहिए। बड़े बड़े प्रोडक्ट अभी आगे और भी लाइंड अप है महिंद्रा के जो वो लॉन्च करेंगे, तो इस तरीके के सर्विस स्टैंडर्ड के साथ तो मैं उनको बोलूँगा कि भाई थोड़ा रुक जाओ, पहले अपनी सर्विस इम्प्रूव कर लो उसके बाद लॉन्च करना। गाड़ियाँ तो लॉन्च कर रहे हो लेकिन उनकी सर्विस इतनी अच्छी है नहीं। मुझे लगता है कुछ सर्विस सेंटर जो है, सर्विस सेंटर टू सेंटर भी वेरी करता है हो सकता है, बट स्टिल हमारे यहाँ का जो है वो तो यू नो अगर रेटिंग देने लगे तो 10 में से 5 भी हमारा देने का उसको मतलब मन नहीं करेगा। तो भाई ये केवल हमारे और तुम्हारे यहाँ की बात नहीं है, मैंने बहुत सारे रिव्यू देख लिए भाई, मेजोरिटी एक जैसी है। हाँ बहुत सारे लोग इनकी सर्विस को लेके लॉट ऑफ क्वेश्चन, अगर इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हो तो भाई आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है अपने सर्विस स्टैंडर्ड्स को, क्योंकि हमने हुंडई का भी देखा है, मारुति का भी देखा है। भाई गाली देते हैं लोग मारुति जी डब्बा हुंडई को भी क्वालिटी को लेके आजकल बड़े सवाल उठते हैं, बट आप उनके सर्विस सेंटर में जाओगे, हालांकि मैं उस टाइम पे उनसे भी ज्यादा खुश नहीं रहता था, बट अब इनको एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे लगता है यार वो तो देवता आदमी थे यार कंपेयर करने पे। तो भाई वो उनका सर्विस स्टैंडर्ड बहुत बेटर है, उनके पास गाड़ियां भी ज्यादा आती हैं और वो जिस तरीके से अटेंड करते हैं कस्टमर को वो भी प्रोफेशनलिज्म जो है उनका ज्यादा बेटर है, बात करना और जो जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करना, मतलब वो पहले से पहले ना सोच के नहीं बैठे होते अपने दिमाग में, अगर आप कोई प्रॉब्लम बोल रहे हो तो वो बोलते हैं कि सर चेक करवाता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है वो पहले से पहले उनको पहले से पहले माइंड सेट है कि मना कर देना है अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं सर ये तो ऐसे ही होता है। तो भाई ये जो चीजें हैं ये इम्प्रूव होने की जरूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमारी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर कोई सजेशन हो तो फील फ्री टू शेयर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर एंड बाय बाय बाय।